अध्याय यह फ्री विल का कानून एक। मैं तुमसे एक एहसान मांगना चाहता हूँ। ऐसा होता है कि मेरे पति को दूसरी औरत ने मुझसे ले लिया है। मैं अकथनीय से गुजरता हूँ और नहीं जानता कि क्या करना है। चूंकि आप गूढ़ विज्ञान को जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी समस्या को ठीक कर सकते हैं। मुझे पता है कि आपके पास एक अद्भुत मानसिक शक्ति है और इसलिए आप पड़ोसी के दिमाग पर हावी हो सकते हैं। प्रिय को लुभाने के लिए उसे जादू के माध्यम से मेरे चरणों में रख सकते हैं। आपके काम की कीमत क्या होगी? जो भी कीमत हो, मैं आपको भुगतान कर सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप गलत हैं, महिला। मैं काला जादूगर नहीं हूँ। दूसरों को वश में करने के लिए मन की शक्तियों का उपयोग करना, उन्हें गुलाम बनाना, उन्हें मजबूर करना हिंसा है। और कोई भी हिंसक कार्य काला जादू है। प्रत्येक को अपना, किसी को भी अन्य लोगों के निजी मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं है। दूसरों पर हावी होना चाहते हैं यह बेतुका है। लोग दूसरों की स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करना कब सीखेंगे? क्या आप शायद मानते हैं कि कोई किसी को मजबूर कर सकता है, उसे दंड से मुक्ति के लिए मजबूर करने के लिए, दूसरे लोगों से प्यार करने के लिए, सिर्फ हमारी सनक से? आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि काले जादू के इस प्रकार के कार्यों को बहुत कठोर दंड के साथ दंडित किया जाता है। नियति के फरिश्ते इस प्रकार के अपराधों को माफ करने को तैयार नहीं हैं। इसलिए यदि आप उस रास्ते पर चलते हैं तो आपको अपनी सजा मिलेगी। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जादू टोना करने के लिए काला जादू करने के लिए खुद को समर्पित करते हैं। उस गंदी धंधे पर हजारों जादूगर रहते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ऐसे लोग प्रगति नहीं करते हैं, क्योंकि काला जादू दुख, भूख, नग्नता, सर्वोच्च पीड़ा लाता है। दो, क्या जादू टोना करने वालों की सजा उनके बच्चों तक भी पहुंचती है? स्पष्ट है कि काले जादूगरों का वातावरण आमतौर पर विनाशकारी होता है। इन मंदबुद्धि लोगों के बच्चे भी दुबले पतले होते हैं। यह स्पष्ट है कि खोई हुई आत्माएं उन्हें अपने पूर्वज या स्थलीय माता पिता के रूप में पाने के लिए काले जादूगरों की तलाश करती हैं। फिर यह अजीब नहीं है कि विकृत लोगों के बच्चे भी विकृत हो सकते हैं और दुर्भाग्य में पड़ सकते हैं। दूसरों की स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करने की आवश्यकता को न समझ पाना लोगों के लिए खेदजनक है। दूसरों पर हावी होने, अपने विचारों को अपने पड़ोसियों पर जबरदस्ती थोपने की, दूसरों को अपनी मर्जी से वो करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करने की अशुभ प्रवृत्ति हमेशा मौजूद रहती है। यह सब आंसुओं, दुखों और सर्वोच्च पीड़ा से गंभीर रूप से दंडित किया जाता है। तीन, ऐसा क्यों है कि उन काले जादूगरों को लगता है कि वे मानवता के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, हालांकि वे भुगतान एकत्र करते हैं, वे उनकी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आपको पता चले कि बेतुकेपन का एक तर्क है। कमजोर लोगों के लिए सफेद काला है, और इसके विपरीत। याद रखें कि रसातल की ओर जाने वाला मार्ग अच्छे इरादों से प्रशस्त होता है। इस प्रकार की सेवा की याचना करने वाले कई स्थानों से पत्र मुझे लगातार मेल किए जाते हैं। वास्तव में यह दर्दनाक है, लेकिन इस मानवता पर दया करनी होगी। एक तो लोगों को एक दिव्य संदेश दे रहा है, फिर भी संदेश का अध्ययन करने के बारे में चिंता करने के बजाय केवल एक चीज जो महिलाओं को होती है, वो मुझे लिखती है ताकि मैं उनके पतियों को उनके लिए सुरक्षित कर दूं, या यदि वे पुरुष हैं, ताकि मैं जिस स्त्री की वे लालसा करते हैं उसके मन पर हावी हो जाएगा, या कि मैं अन्य लोगों के विचारों में दखल दूंगा ताकि यह साथी इस अन्य साथी को पैसे दे सके आदि। वास्तव में यह सब मुझे गहरा दर्द देता है, क्योंकि वे मुझे गूढ़ मार्गदर्शन का अनुरोध करने या शिक्षाओं को स्पष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के प्रभुत्व का अनुरोध करने के लिए लिखते हैं। इस प्रकार यह वो स्थिति है जिसमें यह मानवता है। इस कारण से मैं पसंद करता हूँ कि वे मुझे न लिखें, क्योंकि मैं केवल शिक्षाओं से संबंधित हूँ।
इस बात से चिंतित हूँ कि मुक्ति का मार्ग कैसे दिखाया जाए। इस बात की चिंता है कि उस द्वार को कैसे इंगित किया जाए जो आत्मा की सच्ची खुशी की ओर ले जाता है। अफसोस की बात है कि बहुसंख्यक इसे समझना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने मानसिक सुझाव की शक्ति की अत्यधिक कीमत चुकाई है। वे प्रत्येक सुझाव से इतने सारे डॉलर इकट्ठा करते हैं, इतने सारे डॉलर एक आत्मा अध्यात्मवादी राज्य के रूप में कुप्रिय या प्रिय व्यक्ति को रखने के लिए, ताकि वो उनसे प्यार कर सके, ताकि वे जिन्हें वे चाहते हैं उन्हें छोड़ सके, अन्य व्यक्ति जिनके साथ वे अपनी बाहों में सोते हैं, इस प्रकार वे रोते हुए अपने घर आ सकते हैं, और आदि और अन्य इत्यादि। यह स्पष्ट है कि वे सभी गंदी धंधे नीरस दुर्बल हैं, और जो उन्हें अच्छी या बुरी भक्ति के साथ करते हैं वे अनिवार्य रूप से रसातल में प्रवेश करेंगे, जहां केवल रोना और दांत पीसना सुना जाता है। 4. मैं कार्ड के साथ भविष्यवाणी करता हूं, और मैं कसम खाता हूं कि मैं लोगों से सच कहता हूं। मैं उनकी समस्याओं में उनकी मदद करता हूं, हालांकि मैं उनसे इकट्ठा करता हूं, क्योंकि यही मेरे जीने का तरीका है। क्या आपको लगता है कि मैं सीधा व्यवहार कर रहा हूं? आपके पास जीने का एक भयानक तरीका है। आप वास्तव में एक अजगर हैं, एक सूचना की शक्ति वाली महिला, एक चुड़ैल, एक हग। पुरानी अंग्रेजी से चुड़ैल, जादूगरनी, जादूगरनी। रोष, क्या आपको लगता है कि शायद आप अपने भीतर के शैतान के साथ सच बोल सकते हैं, ठीक अपने दिल के राज्य के भीतर? आप भली भांति जानते हैं, और यह आपके लिए सुविधाजनक है कि आप एक बार और सभी के लिए उपेक्षा न करें कि आप नश्वर लोगों के पापी मैं को अपने हृदय में लेकर चलते हैं, अर्थात स्वयं शैतान। क्या कोई व्यक्ति जो अभी तक पवित्रता तक नहीं पहुंचा है उसे प्रकाशित किया जा सकता है? प्रचार या भविष्यवाणी के लिए भुगतान प्राप्त करने का तथ्य पहले से ही एक अपराध है। आप सोच सकते हैं कि आप जो करते हैं वो अच्छा है, लेकिन हैरान मत होइए। रसातल में कई लंगर, तपस्या, जादूगर, जादूगर, भाग्य बताने वाले हैं, जो खुद को शहीद मानते हैं और जो यह भी सोचते हैं कि वे एक ईमानदार तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। 5. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या मेरे बच्चे और वे सभी जिन्हें मैंने अपना विश्वास सिखाया है खराब हो रहे हैं? चूंकि ये अटकल भविष्यवाणी आदि से संबंधित मान्यताओं से संबंधित है, इसलिए मुझे आपको बताना होगा कि वे खराब हो रहे हैं। मैं दोहराता हूँ, यदि हम अपने भाग्य को नहीं जानते हैं तो दूसरों के भाग्य को जानना संभव नहीं है, और यदि हम अभी तक अपनी चेतना के जागरण पर नहीं पहुँचे हैं तो अपने भाग्य को जानना संभव नहीं है। वो जागरण असंभव है यदि पहले हम पापी मैं हमारे दोष का नाश नहीं करते हैं। 6. गूढ़ विद्यालयों में कई वर्षों तक अध्ययन करने और विवाहित होने के बावजूद, सेक्स से दूर रहने के बावजूद, क्या आपको लगता है कि मेरे लिए कोई मोक्ष नहीं है? मुझे लगता है कि आप बहुत बुरी तरह से जा रहे हैं, क्योंकि आप विवाहित हैं और आपने सांत्वनाकर्ता को अस्वीकार कर दिया है जिसके बारे में यीशु मसीह ने हमसे बात की थी। मैं पवित्र आत्मा की बात कर रहा हूँ। यह स्पष्ट है कि पवित्र आत्मा सेक्स में है। इस प्रकार यह जानकर कि इसे कैसे संभालना है, कोई भी रोशनी में आ सकता है, लेकिन आप इसे अस्वीकार कर देते हैं और अपने पति के साथ अपने यौन कर्तव्यों को भी पूरा नहीं करते हैं। तो क्या आप अब भी मानते हैं कि आप सीधा व्यवहार कर रहे हैं? हो सकता है कि आपको छद्म तांत्रिक या छद्म गूढ़ प्रकार की जानकारी मिली हो, फिर भी आपने कुछ भी महसूस नहीं किया है। पापी मैं आप में बहुत जीवित है, इसे पहचानो और पश्चाताप करो। हमारी पुस्तकों का अध्ययन करें और अभ्यास करें। 7. खैर, मैं हर तरह के काम करता हूँ। मैं जीवन साथी को अन्य लोगों के लिए ठीक करता हूँ। मैं लोगों को जबरदस्ती आदि के द्वारा दूसरों के पास आने के लिए मजबूर करता हूँ, और मैं आर्थिक रूप से बहुत अच्छा कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत पैसा कमाता हूँ। तो क्या आप मुझे इस बारे में क्या बता सकते हैं?
इस मामले में दुख आपके पास आएगा बस थोड़ी देर बाद। इस बीच आप जिस नैतिक कष्ट से गुजर रहे हैं उसे सहन करते रहें, वैसे बहुत सुखद नहीं है। याद रखें कि आपका एक बीमार बेटा मिर्गी से पीड़ित है। इस प्रकार के रोगी वास्तव में राक्षसों के वश में होते हैं। क्या आप यह नहीं समझते हैं? या आप इसे समझना नहीं चाहते हैं? समझें, जो भाग्य आपके लिए आरक्षित है वो रसातल और दूसरी मृत्यु होगी।